मैं 18 साल की कंप्लीट हूँ। 18 साल हो गए तुम्हें, दिख तो नहीं रही 18 साल की। तुम वो संभाल के रखोगे? हैं, हाँ। झगड़ोगे तो नहीं? नहीं। थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेना बस। आप कौन है? नहीं इनको छोड़ो पीछे कौन है? हाँ सौदार गृह से लेके आई। अच्छा कहाँ, किस कहाँ पे रखा है इसको आपने? अच्छा सौहार्द ग्रह, सौदार ग्रह ऐसे अपना। अच्छा ठीक है, आप कौन है जो पीछे खड़ी है? अच्छा पुलिस, पुलिस में। अच्छा प्लेन क्लोथ्स में, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है मैं देख पूछ लेता हूँ अभी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है और इस स्पीकर में बोलो। नंदिनी राठौर। नंदिनी राठौर, तुम्हारी कितनी उम्र है? मैं 18 साल की कंप्लीट हूँ। 18 साल हो गए तुम्हें, दिख तो नहीं रही 18 साल की। तुम क्या करती हो? तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अब मैं सुधार गृह में रह रही हूँ। अच्छा कितनी पढ़ाई कर ली तुमने? 9th क्लास कंप्लीट है। अच्छा तो अब तुम क्या चाहती हो? सर मैं अपनी दादी के साथ में घर जाना चाहती हूँ। दादी के साथ में? जी। ये तुम्हारा भाई है? हाँ ये मेरा भाई है। तो पहले तो उसको सामने करो। तुम्हारा नाम क्या है? नकुल राठौर। नटवर? नकुल राठौर। नकुल राठौर, किस क्लास से पढ़ते हो? 9th में। तुम्हारी कितनी एज है? 13। 13, तो अपनी बहन को संभाल के रखोगे? हाँ। झगड़ोगे हाँ। तो नहीं? नहीं। थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेना, लेकिन उसको परेशान नहीं करना। हाँ भाई आप बताओ। मैं दादी और रखना चाहती हूँ इसको। आपकी कोई इनकम का सोर्स है? 17,000 है मेरे पास। 17,000 रुपए हैं, लेकिन बच्चों कैसे पालोगी? बगल का ट्यूशन 8-10 दिन में बिच जाएगा वो बगल वाला ट्यूशन। आपके उस घर में कितने लोग रहते हैं? घर में 2 लड़के हैं आपके? हाँ, दो हैं। ठीक है, दो लड़के बेटिया, उनके बच्चे भी होंगे। उनके 2 लड़के हैं, दोनों के 2-2 हैं। तीनों के 2-2 थे। ठीक है, तो वो बच्चा आपका जो लड़का जिसने जेल में है, छूट गया वो? वो तो सर कन्विक्शन हो गया उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, तो अपनी वाइफ के मर्डर केस में उनकी बहू और उनकी। ठीक है, तब आप ही जिम्मेदारी संभाल लोगी आप जिस जिस पड़ाव में हो जीवन के, बच्चे बहुत छोटे हैं। संभाल रही हूँ मैं अभी इनको। क्यों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ये? इसको भी देख रहे हैं, बिलों को भी देख रहे हैं थोड़े। हाँ अपने बच्चों और लड़कों को बोल दीजिएगा कि ये घर की ये भी मतलब जिम्मेदारी है पूरे परिवार की। क्या करोगे अब, जो परिस्थितियाँ चल रही है उसमें संभाल के रखना पड़ेगा आपको। रखना पड़ेगा बिल्कुल। कैन वी आस्क द CWC टू मॉनिटर अबाउट द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन? अब पापा आए ना आए, पापा के बारे में क्या कहें? जो कहें, जो 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 कहो वही कम है। अब वो दीगर बात है, सवाल ये है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत लंबा समय पालना है, ध्यान रखना आप इस बात को। आप भी जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं बच्चों को, नहीं तो वही रखते हैं, CWC में रखते हैं और सभागृह में रखते हैं। कौन सा ग्रह? सौहार्द ग्रह में रखते हैं। अभी एक ग्रह अध्ययन रिपोर्ट भी की थी लॉर्डशिप से, हाउस की जो इंक्वायरी रिपोर्ट की थी CWC ने कमेटी बना के, उसमें भी मतलब पैरा 3 में कि इनकी इंदिरा जी को ₹600 वृद्धावस्था पेंशन मिलती। ये इंदिरा जी का बड़ा बेटा विकल्प राठौर जियो में असिस्टेंट मैनेजर है, दूसरा पुत्र राठौर दुकान पर काम करने जाता है, जिनसे इन्हें ₹8,000 प्रति माह की आय है। इंदिरा जी को ₹600 वृद्धावस्था पेंशन मिलती है,
डिप्टी सर इंदिरा इंदिरा जी का बड़ा बेटा विकल वर्तमान में उनकी आर्थिक मदद करता है। बेटा अगर हम ये कहें कि तुम दादी के साथ रहो, लेकिन जो आंटी तुम्हारी वहां पे देखभाल करती हैं सुधार गृह में, वो तुमसे मिलने आया करेंगी। जी सर बिल्कुल। हैं? क्योंकि हम चाहते हो महीने में एक या दो बार मिलने जाए आपसे, और आप भाई उनको परमिशन देना मिलने के लिए, सिर्फ मिलने भर के, घर में ही, बाहर बार नहीं, केवल ये जानने के लिए आप ठीक ठाक हो। आप सुधार गृह के हो ना, तो आप जैसे 15-2 महीने तक 15 दिन में जाओ, मिल मिला के आना। चलो WP 147402 ग्रैंड मदर ऑफ कॉर्पस MS, क्या नाम है बच्ची का? नंदनी राठौर, एजेड अबाउट 18 ईयर्स, is before this court under article 226 seeking custody of Nandini on the premise that her mother has passed away and father is undergoing jail sentence after conviction. Who's wrong? On notice